Hello students, the topic of today's video lecture is important documents in the formation of company. Company ke formation mein kuch documents hame file karane padte hain with registrar of the company, jise hum ROC bhi kehte hain. To aaj hum unhi documents ko discuss karne wale hain ki company ka jab formation hota hai to kaun se documents company ko banane padte hain. Isme hamare paas sabse pehle prospectus. अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोस्पेक्टस इज ए डॉक्यूमेंट विच इज एन इनविटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी अपने शेयर्स को बेचने के लिए, लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए एक इनविटेशन फॉर्म या एक इनविटेशन टाइप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है, जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं. ये प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी के कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, उनको कितने क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने, कंपनी का बिजनेस कहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है, कंपनी का क्या फाइनेंशियल बेस है, कंपनी के सॉलिसिटर्स कौन हैं, कंपनी के प्रमोटर कौन हैं, कंपनी का बिजनेस कितने टाइम तक के लिए कंपनी बनी है, या कंपनी के और जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी कि कितने एसेट्स होंगे, कितनी लायबिलिटीज हैं, किस तरीके की उसकी टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं, कैपिटल ऑथराइज कितनी होगी, पेड अप कितनी होगी, कॉल्ड अप कितनी होगी, तो सारी डिटेल्स जो है वो किस में दी जाती हैं, प्रोस्पेक्टस में. तो प्रोस्पेक्टस में सिर्फ हमारे जो सिलेबस में हमें वो इतना ही पढ़ना है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है. It is an invitation to the general public to subscribe the shares of the company, and company generally gives the detailed information about the operations of the company to the prospective shareholders. और वो prospectus कुछ लोग sign करते हैं, ठीक है, वो बताते हैं, वो अपने consent उसमें लिखते हैं कि जो भी information उस prospectus में दी गई है वो उनकी knowledge में बिल्कुल correct और true है. तो प्रोस्पेक्टस जो होता है उसमें एक इनविटेशन दिया जाता है, और वो इनविटेशन किसको होता है, जनरल पब्लिक को. किसके लिए होता है, टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी. किसके बिहाफ पर होता है, कंपनी के बिहाफ पर होता है. इनविटेशन जो होता है वो कंपनी के बिहाफ पर होता है, टू द पब्लिक एट लार्ज होता है, और टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कंपनी होता है. प्रोस्पेक्टस में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे भी दी जाती है कि कंपनी कितने शेयर्स बेचेगी, कंपनी के एक शेयर की वैल्यू क्या है, उन वैल्यूज को या उस प्राइस को कितनी इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर को पे करना होगा, स्टार्टिंग डेट कब से है, कब से सब्सक्रिप्शन शुरू होंगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म हम भर सकते हैं, उसकी डेट लास्ट क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें दी जाती है, प्रोस्पेक्टस में. अब प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस नहीं छपवाती, कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी शेयर्स ही नहीं बेचती. प्राइवेट कंपनी जो भी कैपिटल अरेंज करती है वो पर्सनल सोर्सेज से करती है, ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स टू देम. पब्लिक को शेयर बेचकर पैसा कलेक्ट करती है, तो पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस भी इशू करना होता है, ठीक है बच्चे. लेकिन अगर कंपनी, पब्लिक कंपनी श्योर है, कॉन्फिडेंट है कि वो अपने पर्सनल सोर्सेज से ही सारा पैसा कलेक्ट कर लेगी, उसे शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में कंपनी फिर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती. जैसे प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती क्योंकि प्राइवेट कंपनी पर्सनल सोर्सेज से पैसा कलेक्ट करती है, वैसे ही अगर पब्लिक कंपनी भी कॉन्फिडेंट है कि वो पर्सनल सोर्सेज से ही पैसा कलेक्ट कर लेगी, तो पब्लिक कंपनी भी फिर प्रोस्पेक्टस नहीं छपवाती. फिर दोनों कंपनीज क्या छपवाती हैं, स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस. क्या इशू कर देती हैं फिर, ये स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. तो प्रोस्पेक्टस में तो इतना ही है. नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं. आउटडोर मैनेजमेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट.
ठीक है, जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये आउटडोर मैनेजमेंट के लिए होता है, यानी कि एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं, कंपनी से बाहर के जो अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। और जो इंटरनल मैनेजमेंट है, इंटरनल अफेयर्स जो है कंपनी के अंदर के जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उनके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंपनी। बिना इसके जो है कंपनी फॉर्म नहीं की जा सकती, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो बना सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकती, लेकिन MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चार्टर ऑफ कंपनी। कंपनी का ऐसे हम चार्टर भी कहते हैं। चार्टर मींस उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे कंपनी के। तो कंपनी को ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं या डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहते हैं या फिर चार्टर ऑफ कंपनी कहते हैं, इसको बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है। 7 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इसको साइन करते हैं, जिनको हम फर्स्ट डायरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी 7 सिग्नेचरीज जो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, जिन्हें हम फर्स्ट डायरेक्टर कहते हैं, उनको साइन करने होते हैं, रिटन कंसेंट देना होता है, ठीक है। और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी की क्या पावर्स होंगी, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, क्लॉजेस ऑफ MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें सबसे पहला तो है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम बताया जाता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। कंपनी का नाम जो होगा वो एक तो किसी दूसरी कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कंपनी के नाम में कोऑपरेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। कंपनी का नाम ऐसा ना हो या ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उसका कनेक्शन किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दिखाई पड़ता हो, यानी कि कंपनी के नाम से हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो उस गवर्नमेंट से कुछ इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो कंपनी का नाम क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए दूसरी कंपनी से। और पब्लिक कंपनी जो होती है उसके पीछे तो पब्लिक लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है। पब्लिक कंपनी के पीछे पब्लिक लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है, और प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड उसके नाम के साथ आएगा। जैसे सपोज करो कोई XYZ कंपनी और ये प्राइवेट कंपनी, तो उसका पूरा नाम होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और कोई ABC पब्लिक कंपनी है तो ABC पब्लिक लिमिटेड, इस तरीके से ये होना चाहिए, ठीक है। ये जो नेम क्लॉज है इसको हम इजीली ऑल्टर नहीं कर सकते। इसको ऑल्टर करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 2/3 मेजोरिटी, कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए किसका? मेंबर्स का, यानी कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से 2/3 इसके फेवर में होने चाहिए कंपनी के नाम को चेंज करने में, तभी हो सकता है। और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है, क्लियर। नेम क्लॉज के बाद आता है बेटा सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज को हम डोमिसाइल या फिर एड्रेस क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। सिचुएशन क्लॉज में हम बताते हैं कि कंपनी का जो है एड्रेस क्या है, कंपनी के ऑफिस का क्या एड्रेस है, कौन सी स्टेट में किस जगह ये एग्जिस्ट करती है, और ऑफिस से अलग भी कहीं अगर कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं तो उस जगह का क्या नाम है। जैसे मेरा ऑफिस सपोज करो किसी एक जगह पे है लेकिन मेरी फैक्ट्री दूसरी जगह पे है, तो दोनों एड्रेसेस मेरे को सिचुएशन क्लॉज में बताने होंगे। सिचुएशन क्लॉज को भी हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। सेम इसमें भी हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। अगर मेरा ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, जैसे सपोज करो हरियाणा से दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, तो हरियाणा से दिल्ली क्या है, दूसरा स्टेट हो गया, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन मुझे यहाँ पास करना होगा। दोनों स्टेट के ROC से मुझे परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल लेना होगा, ठीक है, तब जाकर मैं ये चेंज कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर सपोज करो हरियाणा से हरियाणा में ही, जैसे सपोज करो पलवल से फरीदाबाद जा रहा हूँ, ठीक है, तो जब यहाँ स्टेट चेंज हो रही थी तो स्पेशल रेजोल्यूशन था, स्पेशल रेजोल्यूशन, और अब खाली डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रही है तो
नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करना होगा, नॉर्मल या सिंपल रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, उसमें हमें 1/3 मेजोरिटी चाहिए, एक तिहाई, और यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सिचुएशन क्लॉज में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एड्रेस आता है कंपनी का जहाँ पर उसके ऑफिस एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर उसकी बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, जो वर्किंग है। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्लॉज है, थर्ड क्लॉज में हमारे पास आता है लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, लायबिलिटी क्लॉज में हम क्या बताते हैं कि हमारे मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की कंपनी में। लिमिटेड कब तक, कहां तक होती है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन कॉल्ड अप कैपिटल, अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, कंपनी ने उस पे पूरे 10 मंगा रखे हैं, क्लियर, कंपनी ने उस पे कितने मंगा रखे हैं, 10 रुपए मंगा रखे हैं, और किसी पर्सन ने सपोज करो ₹8 ही दिए, तो ₹2 उसकी लायबिलिटी अभी और पे करेगा, ठीक है, 2 रुपए जो पेंडिंग है वो और पे करेगा कंपनी ने अगर वो मंगा लिए। हाँ, कंपनी ने अगर नहीं मंगाई है तो अभी उसकी लायबिलिटी सिर्फ इतनी ही जितनी वो दे चुका है, इससे अलावा वो और रुपए नहीं देगा। वो जो बचे कुचे पैसे हैं वो कंपनी कब मंगाती है, जब कंपनी बंद होती है, यानी कि इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी अपनी ऑपरेशंस को वाइंड अप करती है तब मंगा लेती है अगर लॉसेस हो। तो ये 2 रुपए की लायबिलिटी है, बस इतना समझो आप कि जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम या पेड अप बाय देम, ठीक है। लेकिन अगर जो भी शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उन शेयर्स पर कोई बैलेंस रहता है तो उतना भी उनको देना होगा। मैंने कोई शेयर 10 रुपए में खरीदा था, मेरी बात होगी 10 रुपए पे कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने अभी 8 रुपए ही पे किए तो 2 रुपए मुझे और पे करने हैं, वो मेरी लायबिलिटी होगी, 2 रुपए से ज्यादा मैं पे नहीं करूंगा, क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है वो आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम क्या बताते हैं, ऑब्जेक्ट बताते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए कंपनी बनाई गई है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है। तो उसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी आता है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी आता है, मेन ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव्स की, मेन ऑब्जेक्ट क्या है और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कभी भी बायपासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, हम कोई भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को मेन ऑब्जेक्टिव बना देंगे। जैसे सपोज करो कोई स्कूल ओपन किया, किसी ने उस स्कूल में मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम क्लास 10th तक जो है वो स्कूल चलाएंगे, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर कभी मौका मिले या अपॉर्चुनिटी आए तो हम उसको प्रमोट कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे आगे 12th तक, तो वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था। अब अगर कंपनी चाहती है कि वो 12th तक स्कूल चलाए तो उसे स्पेशलाइजेशन पास करके वो जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था उसको भी मेन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में बेसिक रीजन बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, हमने कंपनी क्यों बनाई है, वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में आता है। फिफ्थ इसके बाद हमारा आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में हम ये बताते हैं कि कंपनी कितना पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करेगी, कंपनी कितनी कैपिटल अरेंज करेगी, कितनी कैपिटल रेज करेगी फ्रॉम द पब्लिक बाय द वे ऑफ इशू शेयर्स, शेयर बेचकर कंपनी लोगों से कितना पैसा मैक्सिमम कलेक्ट कर सकती है। मैक्सिमम पैसा जो कंपनी कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी ने कहा कि भाई मैं 5 लाख शेयर्स बेचूंगी और एक शेयर की वैल्यू ₹10 होगी, तो 5 लाख शेयर्स है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो टोटल कंपनी कितने पैसे ले सकती है? 50 लाख। तो ये 50 लाख तो हो गए ऑथराइज्ड कैपिटल। एक होता है इशूड कैपिटल,
इशूड कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी ये 50 के 50 लाख जरूरी नहीं है एक साथ मंगा ले। अभी सपोज करो 5 लाख शेयर इशू कर सकती है कंपनी, कंपनी ने अभी सिर्फ 3 लाख शेयर इशू किए, एक शेयर 10 रुपये का है, तो 30 लाख रुपये जो हो गई वो कंपनी की इशूड कैपिटल होगी। ठीक है, एक शेयर कितने का, 10 रुपये का है। हो सकता है इस 3 लाख में जो 10 शेयर जो बेचे हैं, सॉरी 10 रुपये के जो 3 लाख शेयर बेचे हैं, हो सकता है उसमें पूरे 10 अभी कंपनी ने ना मंगाए हों। तो एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल ये होता है जितने भी कंपनी ने पैसे मंगाए, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 3 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय जितनी कंपनी ने अभी रुपये लोगों से मंगाए, सपोज करो 8 रुपये एक शेयर पर मांगे अभी कॉल्ड अप कैपिटल, वो हो जाएगा हमारा 24 लाख रुपये कॉल्ड अप कैपिटल है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर्स खरीदे ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने ये 8 रुपये भी पे नहीं किए होंगे, ठीक है, तो वो होता है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ये होती है कि जो भी लोगों ने पैसा पे कर दिया है, कंपनी ने 8 रुपये मंगा रखे हैं, 8 रुपये में से जितने पैसे लोगों ने कंपनी को दे दिए वो पेड अप कैपिटल है। तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। ऑथराइज कैपिटल जो है वो क्या होती है कि टोटल जो कंपनी ऑथराइज है टू रेज फ्रॉम द पब्लिक बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स, जितना पैसा कंपनी कलेक्ट कर सकती है लोगों से मैक्सिमम, उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। उसमें से इशूड जितना इशू कर दिया, इशू में से जितना मंगाया है कॉल्ड अप, कॉल्ड अप में से जितना लोगों ने पे किया वो पेड अप कैपिटल होता है। ठीक है, इतना ही है सिलेबस में, 12th में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको कंपनी अकाउंट्स में। तो ये होता है हमारा कैपिटल क्लॉज। लास्ट जो इसमें क्लॉज बचता है वो है हमारा एसोसिएशन क्लॉज। क्या है बच्चे, एसोसिएशन क्लॉज। एक ये जो फिफ्थ क्लॉज था ना कैपिटल क्लॉज, इसको हम चेंज करेंगे तो हमें क्या चाहिए, यूनैनिमस कंसेंट चाहिए ऑफ ऑल द मेंबर्स। ऑल द मेंबर्स का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, अगर सारे शेयर होल्डर चाहेंगे कि कंपनी के ऑथराइज कैपिटल या कोई भी कैपिटल चेंज की जाए तभी चेंज हो सकती है। तो यूनैनिमस मतलब एक मत, एक सुर होने चाहिए सारे, उनका अलग अलग ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ऐसे एसोसिएशन क्लॉज है, एसोसिएशन क्लॉज को किसी भी कीमत पर चेंज नहीं किया जा सकता, ये याद रखना। एसोसिएशन क्लॉज ऐसा क्लॉज है जिसको हम चेंज कभी भी नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। एसोसिएशन क्लॉज में हम क्या बताते हैं, एसोसिएशन बताते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो हमसे एसोसिएटेड हैं, जो इसमें हमारे कौन होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, सिग्नेचरीज ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे मिनिमम 7 लोगों के साइन होते हैं ना, वो 7 लोग ही क्या होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं। एसोसिएशन क्लॉज में वो अपना रिटर्न कंसेंट देते हैं कि वो इस कंपनी के डायरेक्टर की तरह एक्शन करेंगे, यानी कि दे विल एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड दे विल परचेज और सब्सक्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बिकम अ डायरेक्टर, जिनको हम कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। यानी कि ये लोग जो 7 हैं, एक तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एसोसिएशन क्लॉज होता है उसमें ये लोगों के बारे में जानकारी दी जाती है कि ये 7 लोग हैं जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर होंगे और ये लोग कंपनी के इतने शेयर्स मिनिमम खरीदेंगे। वो मिनिमम शेयर्स खरीदना जरूरी होता है डायरेक्टर बनने के लिए, उन शेयर्स को हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। तो ये तो था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट कहते हैं कि इंडोर मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने होते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, जनरल मैनेजर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो क्या होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो बना सकती है, कंपनी ना चाहे तो नहीं भी बना सकती है। लेकिन जो कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती, जो कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती, वहां पर जो पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती, वहां पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे टेबल्स बनाए हुए हैं, तो उनमें एक टेबल एफ है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए है, वो यहाँ पर
एप्लीकेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी कि या तो आप खुद के अपने रूल्स रेगुलेशंस बना लीजिए, अगर आप नहीं बनाते हो तो कंपनीज एक्ट में, टेबल एक्ट में जो रूल्स रेगुलेशन है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है बेटा? ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, यानी कि इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, दैट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर disclosed under articles of association. If article of association is not framed by any company, then in such a case, table F of Companies Act 2013 will automatically be applicable in such public limited company. इसमें क्या होता है, articles of association में बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि कंपनी का क्या नाम होगा, नाम नहीं सॉरी वो तो articles of सॉरी memorandum of association में आता है। यहाँ पर कंपनी का क्या प्रोसेस होगा लोगों से शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट करने का, ठीक है, क्या प्रोसीजर होगा शेयर अलॉटमेंट का, क्या प्रोसीजर होगा शेयर्स के फॉरफीट करने का, फॉरफीट का मतलब होता है शेयर्स को कैंसिल कर देना। जैसे मैंने कंपनी ने 10 रुपये मंगाए किसी शेयर होल्डर से, कंपनी के बार बार मंगाने पर भी उसने पूरे पैसे नहीं पे किए तो कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल कर देती है, फॉरफीट कर देती है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो भी हम इसमें बताएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। वो जो कैंसल शेयर हैं या फॉरफिटेड शेयर हैं उनको री इशू किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे इशू करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर, यानी कि मैंने पैसा मंगाया था किसी से, उसने पैसा कम दिया है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कोई ऐसा होता है मैंने उससे 5 रुपये मंगाए उसने को 7 दे दिए, कॉल्स इन एडवांस होता है, तो उनका क्या प्रोसीजर होगा, कंपनी को हम जब वाइंड अप करेंगे उसका क्या प्रोसीजर होगा, कंपनी में जो हमारे डायरेक्टर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर हैं उनकी क्या रेमुनरेशन होगी, उनको किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, किस तरीके से उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनकी क्या पावर्स ड्यूटीज़ हैं, ये इसमें बताया जाता है। कंपनी वाइंडिंग अप कैसे होगी ये भी उसमें बताया जाता है। कंपनी किस तरीके से जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स को कंडक्ट करेगी ये उसमें बताया जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर को जो हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है ये सब बताया जाता है। तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर एप्लीकेबल होते हैं कंपनी के अंदर, वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस किस में बताए जाते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताए जाते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बिना कंपनी फॉर्म नहीं की जा सकती, कंपनी बनाई ही नहीं जा सकती। तो इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी भी कहते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट्स।